हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में, और मैं रेशू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके पेट पर, मतलब नाभि से ऊपर और नीचे जो लाइन बनती है वो टेढ़ी होती है, कभी हल्की होती है, कभी डार्क होती है, तो वो किस चीज़ का संकेत देती है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के डाउट होते हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मेरी जो नाभि की लाइन है वो सीधी है तो क्या होगा। बहुत लोग कहते हैं मेरी टेढ़ी है मुझे क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि मेरी तो बनी नहीं मुझे क्या होगा। कई लोग कहते हैं मेरी बनी है लेकिन नाभि से नीचे नीचे बनी है। कई लोग कहते हैं बहुत हल्की है। तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है? इस चीज़ का जो मेन सेंस लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? लड़का और लड़की का। आपने भी जैसे YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कई लोग बताते हैं कि आपकी लाइन जब पेट पर ऊपर और नीचे बिल्कुल सीधी होती है तो लड़का होता है। इसके बाद अगर आपकी लाइन नाभि से जरा सी भी टेढ़ी हो गई, इधर उधर हो गई, तो लड़की होती है। अगर आपकी लाइन हल्की है बिल्कुल तो लड़की होती है, डार्क है तो लड़का होता है। इन चीज़ों को बहुत से लोग सच भी मानते हैं, कई लोग बकवास मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता होता कि ये लाइन क्यों बनती है और क्या यह लाइन प्रेगनेंसी में बनना ज़रूरी है। इस लाइन के बनने के ना बहुत से कारण होते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन जो ये मिथ होते हैं लड़का लड़की के, वो क्यों होते हैं, इस चीज़ को हम इसे तुक्का बोल सकते हैं। किसी किसी चीज़ पर जो ये तुक्का होता है ना वो फिट बैठ जाता है तो वो उस चीज़ को सच मानने लगते हैं। किसी किसी पर ये तुक्का गलत बैठ जाता है तो वो उसको बकवास मानने लगते हैं और उन वीडियो में जाके गालियां देने लगते हैं, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, मुझे तो सीधी लाइन में लड़की हुई है। कई लोग कहते हैं कि मुझे तो टेढ़ी लाइन में लड़का हुआ है। इस तरीके से जाके उस वीडियो पर भड़ास निकालने लगते हैं, जो कि ये सच नहीं है। वो लोग सिर्फ आपकी जो जिज्ञासा होती है उस चीज़ को लेकर वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो जाए। उन लोगों का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। अब इसके पीछे का मैं आपको कारण बताती हूँ कि ये लाइन प्रेगनेंसी में आपको क्यों बनती है और किसी किसी में ये लाइन क्यों नहीं दिखती है, मतलब उनको बनती नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो होता है शरीर में मेलानिन की मात्रा। साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि जो आपके पेट पर जो लाइन बनती है वो मेलानिन की वजह से बनती है। किसी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उसकी लाइन उतनी ही ज़्यादा पेट पर डार्क दिखाई देगी। अब इसका टेढ़ा या सीधा बनना कुछ भी हो सकता है, वो टेढ़ी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है, इससे कोई सेंस नहीं है लड़का लड़की का, ठीक है। किसी किसी को क्यों नहीं बनती है? क्या होता है फ्रेंड्स कि जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होती है तो ये लाइन बनती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। बनती सबको है ये लाइन, लेकिन जो ज़्यादा फेयर कलर के लोग होते हैं उनमें ये लाइन मेलानिन की कमी होने की वजह से कम दिखाई देती है। अब आपने देखा होगा कि जो साउथ साइड के जो लोग होते हैं थोड़े से ब्लैकिश होते हैं, मतलब थोड़े सांवले रंग के होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा उनकी कुछ पिक आपको मैं दिखा दूंगी यहाँ पे, तो उनकी जो लाइन होती है जिसको हम लाइनिया निग्रा भी बोलते हैं, क्या होता है उनकी बहुत ज़्यादा डार्क होती है क्योंकि उनके शरीर में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, तभी उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। और जो हम इंडियन लोग होते हैं कोई फेयर होते हैं बहुत ज़्यादा, कोई थोड़ा सा सांवले रंग के होते हैं, तो ये सिर्फ मेलानिन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके शरीर में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उसका रंग उतना ही ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मेलानिन के ही ऊपर डिपेंड होता है कि किस महिला को लाइन डार्क बन रही है और किसको हल्की बन रही है, ठीक है। इससे लड़का लड़की कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो भी आप ये फालतू के टेंशन लेके बैठ रहे हैं माइंड में, बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए, इससे बेबी जेंडर प्रोटेक्शन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, टोटली ये मिथ है। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग जो वीडियो देखकर भावुक हो जाते हैं, सीरियस ले लेते हैं कई लोग इस बात को, जो वो चाहते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो कई लोग ऐसा भी देखा है मैंने डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से आपको निकालने के लिए बाहर ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है। आई होप अब आप मेरी फैमिली हैं तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आपको पता चल गया ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे। तो चलिए प्रॉमिस कीजिए मुझे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे। इतना छोटा सा टॉपिक था, आप सबको बताना चाहती थी।
मेरे साथ ये दोनों टाइम पे गलत साबित हुआ है, ये कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बेबी का ध्यान रखिए, बेबी चाहे गर्ल हो या बॉय हो, आप ही के बच्चे हैं, दोनों को बराबर इक्वल लेके चलिए, दोनों के वेलकम की तैयारी कीजिए। कुछ भी आपके पास आ सकता है क्योंकि वो भगवान की देन होती है, भगवान का प्रसाद होता है, इसलिए उसको तहे दिल से एक्सेप्ट कीजिए और खुशी खुशी उसका वेलकम कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।